नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आईबीएन भारत के इस खास बुलेटिन समाचार दुनिया में आपका स्वागत है। आज समाचार दुनिया में होगी दुनिया भर की अहम खबरों की बात, लेकिन सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पे नजर। इंतजार खत्म, रूस ने लॉन्च किया कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक वी। रूस पर टिकी दुनिया की निगाहें, भारतीयों को कब मिलेगी यह वैक्सीन। दर दर भटक रहे पाक के लिए सऊदी अरब ने बंद किए दरवाजे, कहा न तेल मिलेगा और न ही मिलेगा लोन। कमला हैरिस बनी अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट कर दी जानकारी। चीन की कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों पर आयकर विभाग की कार्रवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई छापेमारी, सेल कंपनियों के 40 अकाउंट में भेजे गए थे 1,000 करोड़ रुपए। लॉकडाउन का फायदा उठाकर कोलकाता मेट्रो ने बनाई देश की सबसे बड़ी एयरसॉफ्ट। 10.3 मीटर के व्यास वाली यह एयरसॉफ्ट है 43.5 मीटर गहरी। फेसबुक पोस्ट से बवाल, बेंगलुरु में भड़की सांप्रदायिक हिंसा। कांग्रेस एमएलए के घर और थाने पर पथराव, दो की गई जान, 60 पुलिसकर्मी भी जख्मी। फूलन देवी के जरिए अति पिछड़ा को साधने में जुटे थे अखिलेश, बाजी मारने में एक कदम आगे निकले यूपी के सीएम। जयप्रकाश निषाद को भेजेगी सांसद। सुशांत केस में महाराष्ट्र सरकार और बिहार पुलिस के बीच तनातनी। संजय राउत के बयान पर बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का पलटवार, कहा नहीं होगा मनोबल कम। देश भर में जन्माष्टमी की धूम, कुछ जगहों पर कल तो कुछ जगहों पर आज मनी जन्माष्टमी, फोड़े गए मटके। इन तमाम अहम खबरों में कुछ खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले कवर स्टोरी पर करते हैं बात। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना का कहर जारी है। विश्व के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। अब 6 माह के लंबे इंतजार के बाद रूस ने कोरोना वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल कर ली है। तमाम आशंकाओं के बीच रूस ने अपना स्पुतनिक वी वैक्सीन लॉन्च कर दिया है। इसी के साथ विश्व की नजरें रूस की तरफ टिक गई हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारतवासी भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर यह वैक्सीन अपने देश में कब तक आएगी और सबसे बड़ी बात कि इसकी कीमत क्या होगी। कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब आपके जहन में तैर रहे होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। वैक्सीन पर सवाल। रूस के मास्को गमेलिया इंस्टीट्यूट ने कोरोना से निजात पाने के लिए स्पुतनिक वी नाम की वैक्सीन आखिरकार बना ही डाली, लेकिन फिलहाल इस वैक्सीन को लेकर ग्लोबल लेवल पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसकी वजह यह भी है कि रूस ने फाइनल फेज का ट्रायल के बिना ही वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, जबकि दूसरी वैक्सीन जो बाकी देशों में बन रही है वह अगले साल के पहले लोगों तक पहुंचने की उम्मीद नहीं दिख रही है। WHO ने भी कहा था कि रूस ने ट्रायल के आंकड़े उनसे शेयर नहीं किए। रूस की वैक्सीन को भारत आने में होंगी दिक्कतें। सबसे पहली बात, स्पुतनिक वी की कीमत क्या होगी यह रूस ने अभी तय नहीं की है। दूसरी बात यह भी है कि भारत में आने के इसे अभी वक्त लगेगा। मोटे तौर पर दो वजह हैं जिनकी वजह से हम ऐसे कह रहे हैं कि कोरोना की रूसी वैक्सीन को भारत आने में अभी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रूसी कोरोना वैक्सीन को भारत आने में लग सकता है समय। रूस या किसी भी दूसरे देश की वैक्सीन को भारत लाने का जिम्मा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO पर है। एक बेसिक प्रोसेस ये भी है कि वैक्सीन को भारत के लोगों पर टेस्ट करने के बाद ही लॉन्च किया जा सकता है। ऐसे में CDSCO रूस से कहे कि वह अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी का फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल भारत के लोगों पर करे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन बनाई है उसका भी भारत में ऐसा ही ट्रायल होगा जो अगले हफ्ते शुरू हो सकता है। हालांकि CDSCO चाहे तो इमरजेंसी हालातों का हवाला देकर बिना ट्रायल के भी वैक्सीन लाने की पावर रखता है, लेकिन रूस की वैक्सीन के मामले में ऐसा किए जाने के चांस कम नजर आ रहे हैं। रूस की वैक्सीन पर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी कहा है कि उसकी परख जरूरी है। रूसी कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत का कोई एग्रीमेंट नहीं। वैसे तो भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा नाम है, क्योंकि किसी भी बीमारी का 50% वैक्सीन का प्रोडक्शन भारत में ही होता है। जैसे ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का प्रोडक्शन का जिम्मा भारत की सीरम कंपनी के पास है।
अगर वैक्सीन बनी तो भारत में ही बनेगी और मिलेगी भी। कंपनी के सीईओ अदार पूनावाल पहले ही कह चुके हैं कि जितना प्रोडक्शन वह करेंगे उसका 50% सिर्फ भारतीयों के लिए होगा, जबकि रूस के साथ भारत का अभी तक ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। न्यूज डेस्क IBN भारत। खबर स्टोरी के बाद रुख करते हैं देश दुनिया की उन खबरों की ओर जिससे है आपका सीधा सरोकार। भारतीय मूल की कैलिफोर्निया सीनेटर कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की। एक रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने भारतीय मूल की कैलिफोर्निया सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने एक के बाद एक दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा की, जबकि दूसरे ट्वीट में उनके कार्यों की प्रशंसा की। अपना पहला ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा, ये बताते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि कमला हैरिस को मैंने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में कमला हैरिस की प्रशंसा करते हुए कहा, जब कमला हैरिस कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल थी तब से मैंने उनको काम करते हुए देखा है। मैंने खुद देखा है कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े बैंकों को चुनौती दी, काम करने वाले लोगों की मदद की और महिलाओं बच्चों को शोषण से बचाया। मैं उस समय भी गर्व महसूस करता था और आज भी गर्व महसूस कर रहा हूं जब वो इस अभियान में मेरी सहयोगी हैं। 55 साल की हैरिस, जिनके पिता जमैका के रहने वाले अफ्रीकी हैं और मां भारतीय हैं, वर्तमान में कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। हालांकि कमला हैरिस खुद पिछले साल तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थीं, मगर उन्हें इसके लिए भरपूर समर्थन नहीं मिल पाया था। बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाइनीज कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ साथ कई बड़े बैंक अधिकारियों के घरों पर छापा मारा। आखिर क्या है मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चाइनीज कंपनियों और उनके भारतीय सहयोगियों के साथ साथ कई बड़े बैंक अधिकारियों के घरों पर छापा मारा। CBDT ने जांच कर बताया कि चीनियों के नाम पर सेल कंपनियों में 40 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए और इनमें 1,000 करोड़ से ज्यादा की रकम भेजी जा चुकी है। CBDT के मुताबिक कुछ चीनी नागरिक और उनके भारतीय सहयोगी हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ये हवाला के लिए सेल कंपनियों का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सारी चीजें भारत स्थित चीनी कंपनियों के परिसर में अंजाम दी जा रही थी और इनमें चीनी व्यक्तियों के सहयोगी कुछ बैंक अधिकारी और चार्टर्ड अकाउंट भी शामिल थे। CBDT ने कहा है कि विदेशी हवाला लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अमेरिका और हांगकांग के डॉलर लेन देन किए गए हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ चाइनीज नागरिकों और उनके भारत में सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना मिली थी कि कुछ चीनी नागरिक भारत में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला ट्रांजेक्शन का काम कर रहे हैं। स्पेशल डेस्क IBN भारत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कुछ इलाकों में मंगलवार देर रात सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। हिंसा का कारण पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक पोस्ट रहा, जो एक विधायक के कथित रिश्तेदार के फेसबुक अकाउंट से किया गया था। इस दौरान फायरिंग में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 60 से ज्यादा पुलिस वाले जख्मी बताए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। एक फेसबुक पोस्ट ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को अशांत कर दिया है। उत्तरी बेंगलुरु के पुलकेशी नगर विधानसभा सीट से विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के एक कथित रिश्तेदार के फेसबुक पोस्ट से पैगंबर मोहम्मद को लेकर अपमानजनक पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य एक जगह जमा हुए और कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर पर पत्थर फेंके। DJ हल्ली और KG हल्ली
पुलिस स्टेशन पर भी पथराव किया गया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमले किए गए। पुलिस ने खुद को विधायक का भतीजा बताने वाले नवीन नाम के युवक को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि युवक ने दावा किया है कि उसका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। उसने आपत्तिजनक पोस्ट नहीं किया जिसमें कथित तौर पर पैगंबर के अपमान की बात कही जा रही है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत का कहना था, पुलिस की गोलाबारी में 2 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सहित 60 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। बेंगलुरु में CRPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मामले में अब तक 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हिंसा के बाद विधायक मूर्ति ने एक मैसेज जारी कर लोगों से संयम बरतने की अपील की। विधायक ने कहा, मैं लोगों से अपील करता हूं कि कुछ उपद्रवियों की गलतियों के चलते हमें हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी भाई हैं। हम कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाएंगे। हम भी आपके साथ हैं। मैं अपने दोस्तों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोमाई ने इस हिंसा पर कहा है कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और हालात को सामान्य करने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। सुरक्षा के लिहाज से विधायक मूर्ति को पुलिस स्टेशन में रखा गया है। उनके घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्पेशल डेस्क IBN भारत। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। कुछ लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी कल मनाई और कुछ ने आज। इसी कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारी सहयोगी प्रिया वाजपेयी की यह खास रिपोर्ट। त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि इस साल भी पिछले साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के बीच उलझन बनी हुई है। देश भर के कुछ हिस्सों में 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई थी, वहीं कुछ हिस्सों में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार 12 अगस्त को मनाया जा रहा है। दरअसल माना जाता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म भद्रा यानी श्री कृष्ण पक्ष की अष्टमी में हुआ था।
गोविंद को भगवान विष्णु का सबसे शक्तिशाली अवतार माना जाता है। उन्होंने धरती पर से राक्षसों के साम्राज्य को खत्म करने के लिए जन्म लिया था। भगवान कृष्ण देवकी और वासुदेव की आठवीं संतान थे। देवकी एक क्रूर राजा कंस की बहन थी। कंस को अपनी ताकत का घमंड था। उसकी सोच थी कि लोगों को भगवान की जगह कंस की पूजा करनी चाहिए। उसने निर्दोष लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया था, जो उसका सम्मान नहीं करते थे। उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक आकाशवाणी हुई कि कंस देवकी और वासुदेव के आठवें बच्चे द्वारा मारा जाएगा। इसे रोकने के लिए कंस ने अपनी बहन को अपने पति के साथ कालकोठरी में बंद करवा दिया था। जब भी देवकी बच्चे को जन्म देती, कंस उस बच्चे को मार देता था। जब देवकी और वासुदेव के आठवें संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो भगवान विष्णु ने वासुदेव से उन्हें गोकुल ले जाने के लिए कहा, जहां नंद और यशोदा रहते थे। वासुदेव ने बच्चे को गोकुल पहुंचाने के लिए यमुना नदी पार की। गोकुल पहुंचाकर वासुदेव ने अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल लिया और वापस जेल लौट आए। कंस ने सोचा कि वह देवकी और वासुदेव का आठवां बच्चा है, इसलिए उसने उसे पत्थर पर फेंक दिया। हैरानी की बात तो तब हुई जब वह बच्चा योग माया में प्रतिवर्तित हो गया और कंस को उसके अंत के बारे में उसने चेतावनी दी। भगवान कृष्ण गोकुल में बड़े हुए। उन्होंने वहां कई राक्षसों का वध किया। आगे चलकर कंस का अंत करने के लिए श्री कृष्ण मथुरा पधारे। तब से जन्माष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण या गोविंदा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार देश भर में उल्लास के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। इसे हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। माना जाता है सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में आठवां अवतार लिया था। देश के सभी राज्यों में अलग अलग तरीके से इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार देश भर में व्रत रखते हैं और भगवान कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं। दिन भर घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन चलते हैं। वही मंदिरों में झांकियां निकाली जाती हैं। इस दिन लोग जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर उपवास करते हैं, जिसे सप्तमी कहा जाता है। कृष्ण भक्त रात भर जागते रहते हैं और भगवान कृष्ण का सम्मान करने के लिए भजन करते हैं। मध्य रात्रि 12 बजे दूध से मूर्ति को नहलाया जाता है और सुंदर कपड़े पहनाते हैं। फिर पूजा करते हैं और भगवान के गीत गाते हैं और उनको फूल और मिठाइयाँ भेंट करते हैं। मथुरा, वृंदावन और गोकुल में कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है। वृंदावन और गोकुल वो जगह हैं जहाँ श्री कृष्ण ने बाल रूप में कई लीलाएं की और श्री कृष्ण को माखन खाना बहुत पसंद था। श्री कृष्ण उसको चुरा कर भी खाते थे और जब भी उनकी चोरी की शिकायत माँ यशोदा से होती थी तो श्री कृष्ण कहते थे, मैया मोरी, मैंने माखन नहीं खाया। आज भी मथुरा, वृंदावन और गोकुल की सड़कों पर भगवान कृष्ण का नाम लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण का जन्म स्थान होने के नाते मथुरा में जन्माष्टमी को एक भव्य उत्सव के नाते मनाया जाता है। जन्माष्टमी मनाने के लिए मथुरा नगरी को फूलों और रोशनियों से सजाया जाता है। भारत के अन्य स्थानों जैसे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में भी जन्माष्टमी को पूरे उल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग पूरे दिन उपवास करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और साथ ही साथ देश में कई जगहों पर दही हांडी की परंपरा भी देखने को मिलती है। जन्माष्टमी पर पकवान। बाल गोपाल श्री कृष्ण को माखन, दही और दूध से बनी चीजें खाना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए बाल गोपाल का स्वागत करने के लिए विभिन्न मीठे व्यंजन बनाए जाते हैं। इस पकवानों को उन्हें भोग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद परिवार द्वारा प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इन पकवानों को बाल गोपाल या गोविंदा के पसंदीदा
माना जाता है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए दिखाते हैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी की कुछ तस्वीरें। समाचार दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।